सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र के पिपरा ठाण से बंधन बैंक कर्मी रवि कुमार गुप्ता से हुई लूट वारदात का पुलिस ने कर लिया खुलासा। इस लूट कांड में शामिल चार अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, साथ ही उनके पास से लूट की रकम के साथ एक मोटरसाइकिल व अन्य सामान भी पुलिस ने बरामद कर ली। पचम्बा थाना कांड संख्या 114/20 दर्ज कर मामले का अनुसंधान शुरू किया गया, जिसके बाद डीएसपी 2 संतोष कुमार मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया और छापेमारी करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों में पिपरा टाणा निवासी जुम्मन अंसारी उर्फ मुस्तकीम, कोलहिंडा निवासी मोहम्मद लालू, पिपरा टाणा थाना क्षेत्र के पालगंज का रहने वाला अमित तिवारी और मुफलिस थाना क्षेत्र के योगी टाणा निवासी इवरार अंसारी का नाम शामिल है। बताया गया कि सभी अपराधी बैंक कर्मी के क्षेत्र भ्रमण कर महिला ग्रुप से पैसा कलेक्शन की जानकारी गुप्त रूप से इकट्ठा करते हैं और सुनसान जगह पर कलेक्शन एजेंट के आने पर लूट की घटना को अंजाम देते हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 6600 रुपये नकद, मोटरसाइकिल और एक बैग व बंधन बैंक का कलेक्शन रजिस्टर इत्यादि बरामद की है। गिरिडीह से नवाज की रिपोर्ट। क्या मामला है सर? यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पचम्बा थाना कांड संख्या 114/20 से संबंधित है, जिसमें एक घटना रिपोर्ट की गई थी पचम्बा थाना अंतर्गत कि एक व्यक्ति जिसका नाम रवि कुमार गुप्ता है, उम्र 31 वर्ष, से छिनताई की घटना की गई थी, जिसमें ये बंधन बैंक के कर्मचारी हैं और महिला समूह का पैसा कलेक्ट करके बैंक में जमा करने के जाने के क्रम में इनसे लूटपाट की गई थी, जिस क्रम में इनके द्वारा FIR दर्ज किया गया पचम्बा थाना में, जो 114/20 कांड संख्या है। इस संदर्भ में कुछ लोगों को चिन्हित किया गया, टेक्निकल एवं ह्यूमन इनपुट्स के द्वारा कुछ लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया है, जिनकी इस कांड में संलिप्तता पाई गई है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में चार व्यक्ति हैं जिनकी संलिप्तता सामने आई है, जिनका नाम क्रमशः जुम्मन अंसारी, लालू अंसारी, अमित तिवारी एवं इब्रार अंसारी के नाम पे नाम में आया है इस घटना को कारित करने में। ये घटना में जो चीज़ें उनके द्वारा लूटी गई थी, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें बरामद की गई है। बरामद किए गए चीज़ में इनके द्वारा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, लूटी गई रकम में से का कुछ हिस्सा 6600 रुपये के आसपास बरामद हुआ है, एक काला बैग, बंधन बैंक से संबंधित जो मास्क हैं जिनका प्रयोग किया जा रहा था उनके कर्मियों के द्वारा, वो बरामद किया गया है। एक सैमसंग टैब जो इनसे लूटा गया था वो भी बरामद किया गया है और इनकी आपराधिक इतिहास भी रही है। इनके कन्फेशन के क्रम में इनके द्वारा यह भी बताया गया है कि पूर्व में इस घटना क्षेत्र में कारित किए गए अन्य घटनाओं में इनका नाम शामिल है।